नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को टाइटल और थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं नेक्सस कंपनी के लिथियम सोलर बैटरी के प्राइस के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने घर में एक बैटरी वाले, दो बैटरी वाले, या फिर तीन बैटरी वाले, या फिर चार बैटरी वाले, इस तरह के बड़े सोलर सिस्टम और छोटे इन्वर्टर के लिए बैटरी लेने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी ये लिथियम बैटरी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी बैटरी ले सकते हैं, कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है, और इन सभी बैटरियों का प्राइस कितना है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर, हमें एक बैटरी के लिए लिथियम बैटरी का प्राइस बताइए, हमें दो बैटरी के लिए कौन सी लिथियम बैटरी लेनी होगी। तो ये सभी सवाल हम आज की इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले है ये 12 वोल्ट की और 100 AH की लिथियम बैटरी। दोस्तों, ये नेक्सस कंपनी की 100 AH की और 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यदि आपके घर में एक बैटरी वाला यानी 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आप उसके ऊपर इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। इस बैटरी के ऊपर दोस्तों आप मैक्सिमम 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी 100 एम्पियर तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में एक 1/2 HP का या फिर 1 HP का वाटर पंप है, जो कि 3 से 4 एम्पियर तक का करंट लेता है, यानी टोटल 1200 वाट तक का या फिर 1 KW तक का लोड आप इसके ऊपर एक साथ चलाएंगे, तो वो आप इसके ऊपर आसानी से चला सकती हैं, और आपकी बैटरी खराब होने का या फिर फटने का ऐसा भी कोई डर इसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और इन बैटरियों के अंदर भी आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके अंदर आपको शायद प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये बैटरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बनी है, तो ये कभी भी फटेगी नहीं, और ना ही इसके जलने का या फिर कोई दूसरी हानि होने का खतरा रहता है। यदि बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 12 वोल्ट और 100 AH की बैटरी का प्राइस अप्रोक्स 31,200 रुपये के अराउंड में हो सकता है। प्लस इसमें आपको GST अलग से देना पड़ेगा, और यदि आप घर बैठे इसे ऑर्डर करते हैं, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो भी अलग से लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके घर में 12 वोल्ट का इन्वर्टर है एक बैटरी वाला, तो इसके लिए आप ये बैटरी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी 24 वोल्ट और 100 AH की लिथियम बैटरी। दोस्तों, यदि आपके घर में दो बैटरियों वाला सिस्टम लगा हुआ है, मान लीजिए आपने 2.5 KW का या फिर 3 KW का 24 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, और उसके नीचे आप लिथियम बैटरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप इस बैटरी को ले सकते हैं। ये 24 वोल्ट और 100 AH की बैटरी है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम आप 2400 वाट तक का लोड चला सकती हैं। यदि आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं। तो यदि आपको दो बैटरी वाले इन्वर्टर के लिए बैटरी की जरूरत है, तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं, और यह आपको बैटरी बैकअप भी थोड़ा ज़्यादा देगी। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस अप्रोक्स 62,400 रुपये के अराउंड में हो सकता है। प्लस इसमें भी GST और ट्रांसपोर्ट का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारी 25 वोल्ट और 100 AH की लिथियम बैटरी। यदि दोस्तों आपको ई रिक्शा के लिए बैटरी की जरूरत है, लिथियम बैटरी की जरूरत है, तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं। ये 25 वोल्ट की है और 100 AH की बैटरी है। या फिर दोस्तों यदि आपका इन्वर्टर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपनी इन्वर्टर की VDC को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर उसकी VOC वगैरह को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो वहां पर आप इस बैटरी का यूज कर सकते हैं। अपनी VDC वगैरह को कस्टमाइज करके इस बैटरी को लगा सकते हैं, या फिर नेक्सस का ही आप सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। नेक्सस के जो इन्वर्टर होते हैं, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यदि बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 2500 वाट की लिथियम बैटरी है, तो इसका प्राइस अप्रोक्स 65,000 के अराउंड में हो सकता है। प्लस इसमें भी आपको GST और ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो अलग से देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है दोस्तों हमारी 48 वोल्ट और 100 AH की लिथियम बैटरी। दोस्तों, ये थोड़ी पावरफुल बैटरी है, क्योंकि ये 48 वोल्ट की है और 100 AH की है। प्लस इसमें दोस्तों आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक MCB की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ चार्ज इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कितने लेवल आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, या फिर कितने लेवल आपकी बैटरी बची हुई है चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ओवरलोड और बैटरी लो के अलार्म आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप इस बैटरी के बैटरी कनेक्शन जो है वो पैरेलल और सीरीज वगैरह में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको अलग से फैन भी देखने को मिलेगा, जिससे यदि आपकी बैटरी कभी कभार ज्यादा लोड चलाने से गर्म हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक जो है कूलिंग कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये 48 वोल्ट और 100 AH की बैटरी है। तो यदि आपने अपने घर में 4 KW, 5 KW, 7 KW तक का सोलर इन्वर्टर लगवाया हुआ है, जो कि 48 वोल्ट पर काम करता है, तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं। तो इस बैटरी का प्राइस अप्रोक्स 1,24,800 रुपये के अराउंड में हो सकता है। प्लस इसमें भी GST और ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको अलग से देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके घर में 12 KW, 10 KW, 8 KW या फिर 6 KW तक का कोई भी सोलर सिस्टम लगा है, जो कि 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों हमारी 60 वोल्ट और 48 एएच की बैटरी। दोस्तों यदि आपको ई रिक्शा वगैरह या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी की जरूरत है तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं। ये 60 वोल्ट और 48 एएच की बैटरी है। या फिर यदि आपको 5 बैटरी वाले इन्वर्टर की जगह पर बैटरी को यूज़ करना है तो आप इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 48 वोल्ट और 60 एएच की है। तो यदि आपका इन्वर्टर 60 वोल्ट पर काम करता है तो आप इस बैटरी को ले सकते हैं, लेकिन ये आपको बैटरी बैकअप थोड़ी कम देगी क्योंकि 48 एएच की है। तो बैटरी बैकअप के लिए आप ज़्यादा एएच की बैटरी ले सकती हैं। तो यदि बात करें इस बैटरी के प्राइस की, तो इसका प्राइस अप्रोक्स 74,880 रुपये के अराउंड में हो सकता है। प्लस इसमें भी आपको जीएसटी और ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो है वो अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जितनी भी बैटरियों की ज़रूरत है, जितनी भी एएच की बैटरी की ज़रूरत है, जितनी भी कैपेसिटी की बैटरी आप लेना चाहते हैं, वो आप नेक्सस कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे अपनी बैटरी खुद बनवा भी सकते हैं, अपने इन्वर्टर के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं जितनी भी बैटरी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हमारे घर में जो मैन बैटरी यूज़ होती है 12 वोल्ट 24 वोल्ट 48 वोल्ट उनके प्राइस आपको बता दिए हैं। प्लस आपको इसमें ई रिक्शा की भी काफ़ी सारी बैटरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।